हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ममता के रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता ठाकुर आज आप लोग को गोभी मंचूरियन कैसे बनता है बताने जा रही हूँ। आइए देखिए कैसे बनता है। बनाने के लिए यही सब सामग्री ली हूँ। देखिए, मैं गोभी को पीसेज में काट ली हूँ, छोटे छोटे पीसेज में। ये मैदा, ये लहसुन काट ली हूँ महीन महीन। ये प्याज, प्याज आप देख रहे होंगे किस तरह से मैं टुकड़ों में काट करके की हूँ। ये शिमला मिर्च, नमक, गोल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, और ये कॉर्नफ्लोर, टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, इतना समय गोभी मंचूरियन में डालूंगी। अब मैं गोभी को बॉयल करने चल रही हूँ। ये मेरा पानी गर्म हो गया है, गोभी को मैं इसमें डाल देती हूँ बॉयल होने। ज़्यादा देर मैं नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर करने के लिए हल्का सा बॉयल करूँगी। इसमें मैं हल्का नमक डाल देती हूँ कि गोभी में थोड़ा सा चला जाए। हल्का ही डालूंगी क्योंकि मैं पीछे से फिर मसाला वगैरह में डालूंगी। मैं इसे मिला लेती हूँ और मैं इसे और उसे हल्का मैं 2-3 मिनट के लिए इसको हल्का भाप लेती हूँ। उसके ये गोभी बॉयल हो गया है, मैं इसका पानी छन्नी में सब छान करके निकाल ली हूँ और ठंडा हो गया। अब मैं इसको अब ये मैदा इसमें मैं डालूंगी। नमक, क्योंकि पहले भी इसमें दे चुके हैं नमक, इसलिए इसमें थोड़ा ही नमक मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं। लाल मिर्च पाउडर, अब मैं इसे सारे चीज को हल्का पानी की सहायता से इसको मिलाऊंगी हल्के हाथों से ताकि गोभी टूट ना जाए। मैदा का कोटिंग ऊपर नीचे गोभी में कर लूंगी। देख रहे हैं आपको पानी का जरूरत पड़े तो उससे पानी ले सकते हैं इसमें डालने के लिए। तब तक मेरा इधर गर्म हो रहा है, कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, तब तक तेल को गर्म करने दी हूँ। मेरा तेल अच्छी तरह से कड़क गया है, गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक पीस करके गोभी का डालूंगी। देखिए मैदे की कोटिंग वाला
वो भी पीस करके इस सारे को मैं छान कर निकाल लूंगी। गोल्डन करके मैं सारे गोभी को निकाल लूंगी। फिर इसको मैं दोनों तरफ से पलट करके बंद कर लूंगी। ये गोभी मैं देखिए कैसे लाल कर ली हूँ, अब मैं निकाल रही हूँ। सारा गोभी मैं छान के निकाल ली। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी। प्याज बारीक प्याज काटी थी शिमला मिर्च मेरा ये पूरा ढक्कन में जो ग्रेवी के लिए तैयार कर लेती हूँ। ये जो मैं अरारूट ली थी इसमें टमाटो सॉस चिली सॉस जितना आप पीता खाते हो और ये सोया सॉस। ये मेरा हो रहा है पत्ता, पत्ता में से फिर पानी दे करके इसमें इसका घोल तैयार कर लेती हूँ। और हल्का भून देते हैं। गोल मिर्च पाउडर लहसुन डाल दूंगी। नमक बस कम ही डालूंगी क्योंकि मैं गोभी में भी पहले बॉयल होने में भी डाली थी। प्याज और शिमला हल्का देख रहे हैं भून गया है। इसमें ये ग्रेवी के लिए
सॉस का तैयार की थी पंखा का वो बनाने में। कलने देती हूँ इसमें इसमें गोभी जो काट के रखी थी इसको मैं मिला देती हूँ। सारे गोभी को मैं इसमें मिला दी ऊपर नीचे कर देती हूँ इसको। ये मेरा गोभी मंचूरियन बन चुका है देख रहे होंगे। मैं गैस को बंद कर दी। मेरा गोभी मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपने जान पहचान वाले को भी बोलिए देखेंगे मेरा वीडियो और शेयर कीजिए कि वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब सब कर दें और मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। बाय फ्रेंड्स।